और गाड़ी वाले को ऐसे रुका रहे बिगड़ फालतू बोले ज्यादा बात मत कर क्योंकि नंगा करूंगा पूरा। इधर का ये दर्शता हूँ मैं बाहर का नहीं हूँ। वो कैमरा लग रहा है गाड़ी में याद रख लेना। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। बाहर की गाड़ी देख रुकवाए ट्रक, जब ड्राइवर ने बोली मराठी तो डर गए गुंडे। वो गाड़ी वाला नहीं देखे है। वो गाड़ी वाला नहीं देखे है। कौन सा लिया? मतलब बिगर फालतू है, बिगर फालतू में गाड़ी वाले को ऐसे लिया। अब गाड़ी वाले को ऐसे रुका रहे बिगर फालतू में। ज्यादा बात मत कर क्योंकि नंगा करूंगा पूरा। जाओ तो मन ऊपर इधर ही का है। इधर का हूँ जी। इधर का ही जी। इधर का ही हूँ बाहर का नहीं। इधर का ही हूँ बाहर का नहीं। हाँ ध्यान रख ले इधर का। क्या ये कौन सी पड़ती है? मतलब गुंडागिरी दिखो वो देगा जो उम्र बाहर की गाड़ी देखते है। मतलब उम्र है उसकी गाड़ी वाले को उसको भी मतलब गुंडागिरी है। तू गजब दादागिरी कर एक ही बार लगता है। टोकन समाज 100 रुपए ले लो। कौन? अरे 100 रुपए इधर से हूँ मैं बाहर का नहीं हूँ। वो कैमरा लग रहा है गाड़ी में याद रख लेना। आधी रात है, आगे आरटीओ की बैरिकेडिंग मतलब चेकिंग होगी। तरीका तो सही है पर इरादा सही नहीं है, यानी कि मन में कोई ना कोई खोट जरूर है। मतलब अब फिर ड्राइवर की बढ़ेगी टेंशन, पर अगर आपको अपनी टेंशन नहीं बढ़ानी है तो अपनी गाड़ी का बीमा करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और गाड़ी का भरोसेमंद बीमा करवाने के लिए आप हमें 9831 9831 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या, ये वीडियो कहाँ की है और कब की है। ये घटना है 26 तारीख की महाराष्ट्र करमाला से 3 किलोमीटर पहले की, जहां पूरी बैरिकेडिंग्स लगाकर गाड़ियों को रोका जा रहा है, लेकिन सिर्फ बाहर की गाड़ियां। अब यहां भी गाड़ी रुकी, ड्राइवर से मांगे गए पैसे, और अब रात के अंधेरे में कौन पूछ रहा है कि ये कर्मी यहां कर क्या रहे हैं। ड्राइवर ने बताया कि यहां उससे 500 रुपए मांगे गए। कर्मी के हाथ में डंडे थे, 4 लोग साथ थे। ड्राइवर ने फिर कहा कि मैं भी लोकल हूं। जब ड्राइवर ने मराठी लैंग्वेज में बात की कि भैया हम लोकल हैं, तब ड्राइवर से यहाँ 100 रुपए लिए गए और ड्राइवर को जाने दिया। यहाँ पर सभी ड्राइवरों से 500 रुपए लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ जब ड्राइवर ने खुद को मराठी बताया तो उसे 100 रुपए में ही जाने दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। ड्राइवर का कहना है कि जब पुलिस सो जाती है तो ऐसे होती है यहाँ पर चेकिंग। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि वीडियो में गाड़ियाँ रुकवाई जा रही है, वो भी बिना वजह के। जब ड्राइवर ने वजह पूछी कि आखिर क्यों गाड़ियाँ रुकवा रहे हैं, तो जनाब कह रहे हैं कि ज्यादा बात मत कर, गाली गलौज किया जा रहा है। ड्राइवर ने जब कहा कि मैं यहाँ का ही हूँ बाहर का नहीं, थोड़ी अपनी भाषा में जरकाया तो जाकर कर्मी चुप हो गए। गाड़ी बाहर की थी तो यहाँ पर ड्राइवर को रोका गया था, पर ड्राइवर ने भी इनको ऐसा जरकाया कि 2 मिनट के लिए तो जनाब डर गए। पर रात के अंधेरों में क्या ये बैरिकेडिंग चेकिंग के लिए है या वसूली के लिए, इसका जवाब कौन देगा? और अगर गाड़ी के आगे सीसीटीवी नहीं होता तो क्या ये घटना रिकॉर्ड हो पाती? इस वीडियो पर आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे भेजना है इसके टिप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।